प्रॉब्लम में बोल रखा है इफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस, सो ए की पावर 10 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अपन को दे रखा है sin 4x मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 10x का होल स्क्वायर dx। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 sin 2x cos 2x एंड ई रेज टू पावर 10x का होल स्क्वायर dx। और फिर इसको इस तरीके से फर्दर लिख सकता है 4 sin x cos x, ये इसको मैं 1 minus 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus 10x का होल स्क्वायर लिखूंगा। बेसिकली सबको यहाँ पर ये मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा बाद में, इसलिए मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा पूरे को। तो पूरे को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इस चीज को अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4 times 10x sec x का होल स्क्वायर cos x की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई में ये 1 minus 10x का होल स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर 10x का होल स्क्वायर dx। बेसिकली अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या है, sin x डिवाइडेड बाय cos x, ये 1 डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर एंड ये cos x की पावर 6 एंड डिवाइड में यहाँ पर ये 1 plus 10x का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय sec x का होल स्क्वायर बनता, जो कि ऊपर जाके यहाँ पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे क्यूब हो जाती पावर। सो बेसिकली वो ही है, मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से करते हैं, 10x के होल स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ, सो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 times 10x sec x का होल स्क्वायर dx = dt। तो अपना जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर तरीके से, ये 10x एंड sec x का होल स्क्वायर। सो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये तो dt हो जाएगा एंड ई रेज टू पावर 10x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा एंड यहाँ पर अपने पास और क्या बचेगा, ये 1 minus 10x का होल स्क्वायर, सो ये 1 minus t हो जाएगा एंड यहाँ पर ये cos x का होल पावर 6 है, सो ये नीचे जाके sec में कन्वर्ट होगा, जिसको मैं 1 plus 10 स्क्वायर लिख दूंगा, सो उसका क्यूब बन जाएगा, सो sec x के होल स्क्वायर का क्यूब। सो उसको मैंने यहाँ पे 1 plus 10x का होल स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। तो अब ये इंटीग्रल अपना इस फॉर्म में आ चुका है और फिर मैं इसको माइनस का साइन यहाँ पे ले लेता हूँ, सो ये t-1 बचेगा एंड दिस ई रेज टू पावर टी डी टी। और इस t-1 को मैं इस तरीके से लिखूंगा t+1 -2, तो ये -2 और ये मेरा t+1 -2 डिवाइडेड बाय 1 plus t का होल क्यूब ई रेज टू पावर टी डी टी एंड यहाँ पर फिर स्प्लिट कर देंगे। सो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t+1 का होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय t+1 का होल क्यूब एंड ई रेज टू पावर टी डी टी। और बेसिकली ये तुम्हारी फैमिलियर फॉर्म है, ई रेज टू पावर x f(x) + f'(x) dx, बेसिकली e^x f(x) होता है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। सो सिंपली ये अपना -2 times e^t/t+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली t यहाँ पर अपना 10x का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे सो -2 times ये यहाँ पे cos x का होल पावर 4 एंड e^t/10x का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें, सो यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ रही है, सो ये बेसिकली 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। सो ये अगर चेक करें तो 1024 डिवाइडेड बाय 100 यानी 10.24 अपना आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।